उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपनी 6 दिनों की रूसी यात्रा से अपने देश लौट आए हैं। इस मौके पर रूस ने किम को विदाई उपहारों से लाद दिया है। आपको बता दें, रूसी और उत्तर कोरिया सरकारी मीडिया के हवाले से ये रिपोर्ट सामने आई है कि रूस ने किम जोंग को शारीरिक सुरक्षा कवच से लेकर किलर ड्रोन तक उपहार में दिए हैं। मॉस्को और प्योंगयांग के बीच सैन्य सहयोग की संभावना ने पश्चिम को चिंतित कर दिया है। किम जोंग और उनके समकक्ष पुतिन के बीच हुई बातचीत से ये संभावना बढ़ गई है कि उत्तर कोरिया यूक्रेन पर आक्रमण में सहायता के लिए रूस को हथियार दे सकता है। पूर्वी रूस के व्लादिवोस्तक शहर से स्वदेश रवाना होने से पहले किम जोंग ने वहां युद्ध विमानों का निरीक्षण के साथ साथ एक हवाई क्षेत्र का दौरा किया और प्रशांत महासागर बड़े के युद्धपोत का भी दौरा किया। इसके बाद वो अपनी बख्तरबंद ट्रेन से प्योंगयांग के लिए रवाना हो गए। रवानगी से पहले किम को रूसी नेताओं ने कई उपहार दिए। रूस की सरकारी मीडिया के मुताबिक रूस के प्रिमोस्की कार्य के गवर्नर ओलेग कोझेमाइको ने डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के नेता किम जोंग उन को बुलेट प्रूफ जैकेट और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार किए गए 6 ड्रोन बतौर उपहार भेंट कर दिया है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक किम को उपहार में दिया गया शारीरिक सुरक्षा कवच छाती, कंधे, गले और कमर को बुलेट हमलों से बचाता है। ये बुलेट प्रूफ बॉडी कवच है और अन्य बुलेट प्रूफ जैकेट की तुलना में बहुत हल्का है। उसी रिपोर्ट के मुताबिक किम को उसी क्षेत्र में निर्मित 5 कामिकेज ड्रोन साथ ही एक जेरेनियम 25 विमान प्रकार टोही ड्रोन भी उपहार में दिया है। इसके अलावा उत्तर कोरिया नेता को विशेष कपड़ों का एक सेट का भी अतिरिक्त उपहार दिया है जो थर्मल इमरजेंसी कैमरों के साथ उद्देश्य है। रूसी राज्य समाचार एजेंसी के अनुसार प्रकाशित एक वीडियो में किम के लिए आयोजित विदाई समारोह में रेड कार्पेट बिछाया हुआ दिखाया जा रहा है। इस दौरान किम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वीडियो में किम को अपनी निजी ट्रेन में चढ़ते हुए भी देखा गया है जो आर्टेम रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। इस दौरान रूसी अधिकारी उनसे हाथ मिला रहे थे। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।